आज मैं नदी पर ब्रश करने के लिए आया था और मैं नदी पर जैसे पहुंचा अचानक मैंने क्या देखा, आपको दिखा रहे, देखिए क्या देखा मैंने यहाँ पर। देखिए नदी पूरा सूख चुका है दोस्तों, कुछ दिन पहले यहाँ पर पूरा पानी पानी था और सूख के खत्म हो चुका है। दीदी दिले नदी तो हां एतु कारणे हुकी गयसे मास कोने कोने लोइसे बा कोने कोने खाइसे बा हेतु मय न जाने। देखिए दोस्तों ये नदी पूरा इधर से ऐसे करके बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से पानी पूरा रुक गया है। देखिए ये जगह कुछ दिन पहले पूरा पानी से भरा हुआ था ये जगह, लेकिन अब नहीं है। देखिए नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आनंद दास और दोस्तों आज मैं नदी पर ब्रश करने के लिए आया था और मैं नदी पर जैसे पहुंचा अचानक मैंने क्या देखा, आपको दिखा रहे, देखिए क्या देखा मैंने। नदी पूरा सूख के नाला बन चुका है दोस्तों। देखिए अभी मैं ब्रश कहाँ पर करूँगा, पूरा नदी सूख चुके, सूख के नाला बन चुके नदी। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। ये देखिए ये वाला भी पूरा सूख चुके हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ पर देखिए नदी पूरा सूख चुका है दोस्तों। कुछ दिन पहले यहाँ पर पूरा पानी पानी था और सूख के खत्म हो चुका है। इसका कारण जो है आगे पानी बंद कर दिया, आपको हम दिखा रहे कैसे। और देखिए आंटी लोग भी अभी आ रहे नदी पार करके। नदी तो ना है आंटी, ঠিক আছে লগ পাওঁ আন্টি জব কাৰ্ডত। আন্টি বোল রে কি ভেদ দিয়ে ও দেখিয়ে ওহাঁ পৰ পুৰা পানী বন্ধ কৰি দিয়ে গে পানী নহ নদী থা দোস্ত। नदी पूरा सूख चुका है पूरा दोस्तों, ये नदी पूरा इधर से ऐसे करके बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से पानी पूरा रुक गया है। देखिए ये जगह कुछ दिन पहले पूरा पानी से भरा हुआ था ये जगह, लेकिन अब नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरा लोग आए और लोग आके मछली मार के चले गए। ये भाई जो मछली मार रहा है, ओह पानी तीन ठंडा, मछली मिला है भाई नहीं मिला? 4 किलो मछली मिला बोलते, गिटीस मार के देखो दोस्तों। ओह माय गॉड, तो दोस्तों आप सभी को अभी हम पूरा नदी का सैर करवाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो पोकलैंड जो इधर से आया था आके यहाँ पर इस जगह को बंद कर दिया गया है पोकलैंड के द्वारा और यहाँ पर समसिंगल डाल दिया गया है जिसके वजह से पानी पूरा बंद हो चुका है और यहाँ का पानी पूरा सूख चुका है। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे बंद हो गया और यहाँ का पानी कहाँ जा रहा है और यहाँ पर कितना पानी हो गया वो भी देखते हैं। चलिए और यहाँ पर एक गड्ढा जैसे हो गया। ओह माय गॉड, मैं तो सोच रहा था मैं यहाँ से पार हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी है तो यहाँ से भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। देखते हैं आगे से, अगर रास्ता होगा तो हम आगे से जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया। तो ये जो मिट्टी है ये कहीं, सॉरी इससे ये जो समसिंगल है ये कहीं से नील आया गया, ये यहीं से गड्ढा खोद के यहाँ पर डाला गया, कोई डंपर वम्पर से नील आ गया है। अभी उसके पार क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं, तो हम उसके पार भी जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से पार होते हैं, हमें जगह मिल गया। तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं है, देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अभी हम लोग यहाँ से पार होंगे और पार होकर ऊपर चढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है फिर भी। ओ यहाँ पर मेरा पेन भीगने वाला है अभी।
और यहाँ से देखिए ये वाला पानी आ रहा है जो नदी को थोड़ा सा पानी बना रहा है, संतुलन बना रहा है नदी का। नहीं तो यहाँ से अगर पानी नहीं आता ना तो पूरा नदी पूरा 100% सूख जाता है। फिर भी अभी 20% के आसपास पानी है और यहाँ पर गहरा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोद दिए गए हैं। यहाँ से देखिए पानी आ रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। ये है देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूरा सिमसिंगल गिट्टी बालू डाल दिया गया है और पानी इसी प्रकार से यहाँ पर रोका गया है। और ये जो पानी है देखिए इधर इधर जा रहा है और इधर का जगह पूरा सूख गया। देखिए पूरा तो सूख नहीं गया लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी ये पूरा नदी है, एक नदी है तो नदी सूख चुका है इसकी वजह से। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आगे मंदिर बना रहा है जिसकी वजह से पानी को डाइवर्ट कर दिया गया इधर से, तो जो कि इधर से ये अलग जगह पे जा रहा है क्योंकि आगे एक मंदिर है तो मंदिर बना रहा है जिसके वजह से ये जो पानी सूखा दिया गया है। देखिए अभी कैसे लग रहा है। अभी इधर भी पूरा घेरा हो गया ये जगह पर देखिए, और यहाँ से ये पानी जा रहा है इधर। अभी हम सोचे थे कि यहाँ से पार करके जाएंगे लेकिन यहाँ से पार करके अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मेरे जैसे दो लोग यहाँ पे डूब जाएगा ऐसे गहरा कर दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ से पोकलेन आया था, पोकलेन का मतलब आपको हम दिखाते हैं पोकलेन किसको कहते हैं, थोड़ा देख जाना पड़ेगा हमें। वहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वाला है पोकलेन दोस्तों, इसी से गड्ढा किया गया था तो उसी को पोकलेन कहते हैं। तो पोकलेन से यहाँ पर गड्ढा करके ये जो गिट्टी बालू है तो उसको यहाँ पर डाला गया है। ये नदी का जो मतलब ये नाला है, एक्चुअली में ये नाला ही है, ये वाला जो नाला जा रहा है जो ये नदी है बहुत ही ज़्यादा शांत है देखिए, लेकिन अंदर में गहरा है बहुत ही ज़्यादा पानी। हम लोग बचपन में यहीं पे आके नहाते थे, वहाँ वो पेड़ पर एक लता था वहाँ से झूल करके नहाते थे, तो ये वही नदी है। लेकिन अभी देखिए नदी सूख चुका है, अभी कुछ दिन के बाद ये नदी को फिर से खोल दिया जाएगा क्योंकि कुछ दिन के बाद जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर बनने के बाद ये जो नदी जो ये फिर से खोल दिया जाएगा और यहाँ के जितने भी मछली है फिर से खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी तो बहुत सारे मछली यहाँ पर मर चुके हैं, तो आगे भी दिखाएंगे हम लोग और एक जगह पे, हम लोग कुछ दिन पहले ब्रश करने के लिए आए थे तो वो जगह भी दिखाएंगे जो कि यहाँ से वो आगे है, तो वहाँ पर पूरा पत्थर हो गया, तो वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले ब्रश किया था तो उसका भी हमने वीडियो बनाया था, बहुत ही जगह अच्छा था वो। लेकिन अभी वहाँ का पानी सूख चुका है तो वहाँ पे पूरा पत्थर हो चुका है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है तो चलिए दोस्तों वहीं पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी वाली जगह पर जहाँ पर पूरा पानी सूख गया है और वहाँ पे पूरा अभी पत्थर हो गया है, नीचे में बहुत ही ज़्यादा पत्थर है जिसकी वजह से मैं नीचे पर ध्यान दे के चल रहा हूँ, नहीं तो मैं गिर भी सकता हूँ। चलो पार हो गया, तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वाले स्पॉट पर जहाँ का पानी कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा था और आज पूरा सूख चुका है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ पे चलते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग सीधा वहीं पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मिल चुके एक मेरा स्टूडेंट आने वाला है, मेरा नया सब्सक्राइबर। हाय बोलो अपना नाम बताओ। पूछना मुलांग, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। दो बाय। ठीक है बहुत शर्म कर रही है वो। तो दोस्तों वो जो बच्ची है वो मेरी एक्स स्टूडेंट है, तो आज से करीबन 5 साल पहले वो मेरी स्टूडेंट थी, 3 साल पहले तो मैं गुजरात चला गया था जिसके वजह से मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, लेकिन अभी वापस से मैंने अपना ट्यूशन का जो करियर है वो वापस से चालू किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर जहाँ पर मैं कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहीं पर अभी जा रहे हैं। देखिए ये पूरा जगह पूरा बंजर हो चुका है,
अभी मैं नदी के बीचों बीच हूँ दोस्तों, ये है नदी के बीचों बीच। यहाँ पर पूरा सूखा सूखा घास था, केकड़ा वकड़ा मारा होगा लोगों ने। अभी है हम लोग नदी के बीचों बीच, देखिए और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी ओर, तो वहीं से हम लोग सीधा घर निकल जाएंगे। अभी हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, इस ब्रिज के ऊपर से नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे इधर से घर निकल जाएंगे। देखते हैं अगर पानी कम हुआ तो निकल सकते हैं, अगर पानी कम नहीं हुआ तो दूसरा उपाय कुछ तो निकालना पड़ेगा। और ये है देखिए ये ब्रिज जो आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था, तो यही है हम लोग का यहाँ का तख्ता वाला दलंग, हम लोग तो दलंग कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और कुछ दिन पहले यहाँ से पार होना लगभग मतलब इम्पॉसिबल वाला बात है, बहुत मुश्किल से यहाँ से लोग पार होते थे, इस नदी को क्रॉस करते थे, क्योंकि ये ब्रिज जो टूटा हुआ था इसको फिर से रिपेयर किया गया करीबन सप्ताह भर पहले। आपको बम्बू सब दिख रहा होगा, वो नया नया है, तो यहाँ से लोग पार होते थे, ऐसे जाते थे लोग। और अभी यहाँ का पानी भी नहीं है, यहाँ पे आपको घोंगा भी देखने को मिल जाएगा, देखिए ये है घोंगा। तो कुछ लोग कहते हैं इसको खाने से आँख का बीमार ठीक होता है, तो मैं तो नहीं खाता क्योंकि आई लव ऑल द लिविंग थिंग्स, इसलिए मैं इसको भी नहीं खाता। जाओ मजे करो। तो देखिए अभी यहाँ का पानी भी पूरा सूख चुका है, और यहाँ का पत्थर जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिपी है, गिरने का भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। पूरा पानी सूख चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बहुत मज़े से नहाते थे पहले, और अभी यहाँ का पानी ख़त्म हो चुका है, पर नदी सूख चुका है दोस्तों। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने इस जगह का एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये जगह कुछ दिन पहले कैसे था देखने को, ठीक है। और यहाँ पे एक ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मज़ा लग रहा है, बहुत ही मतलब अलग एहसास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए पानी पूरा सूख चुका है, पूरा ही देखिए पूरा, क्या बोले हो दोस्तों, मछलियों का पूरा बेचारा जीना हराम हो गया होगा, बहुत सारे मछलियाँ मर गए होंगे पानी सूखने की वजह से, लेकिन इंसान उसे खा गया होगा। अब मैं तो खाता नहीं दोस्तों, क्या कहूँ। और ये देखिए ये वाला कार्ड पे हम लोग पहले ऐसे स्लिप कर करके नहाते थे, ऐसे करके नहाते थे, ये वही पत्थर कांटे, तो आज तक मालूम नहीं पड़ा ये है कहाँ पर, तब मालूम पड़ गया ये कुछ इस प्रकार से, कितना साल से जब हम छोटे थे तब से ये यहीं पर है और अभी भी यहीं पर है। देखिए नदी पूरा सूख गया, देखिए दोस्तों यहाँ से पानी इधर आता था, इधर से भी पानी आता था। और ये है एलिफेंट ट्री, तो यहीं इधर से इधर पे हम लोग देखिए दोस्तों, ये जगह का भी पूरा पानी सूख चुका है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ से हमने ब्रश किया था, यहाँ पर खड़े होकर यहाँ से मैंने वीडियो शूट भी किया था, और यहाँ से भी खड़े होकर मैंने वीडियो शूट किया था, ये वही जगह है। और देखिए यहाँ का भी पानी पूरा सूख चुका है, वो आपको दूर पर देख रहा होगा कुछ रेड रेड कलर का। तो इसी जगह पर मंदिर बना रहा है, इसी जगह पर मंदिर बना रहा है, ठीक है। या ओके, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इस जगह पर मंदिर बना रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये पानी को सुखाया गया है। जब ये मंदिर बन के कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से नदी को खोल दिया जाएगा, और यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, और पूरे मछली जितने भी यहाँ के सब खुश हो जाएंगे। देखिए यहाँ का भी पानी पूरा सूख चुका है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को हमने दिखा दिया कि हम लोगों का जो घर के सामने वाला जो नदी है वो पूरा सूख चुका है, जिसके वजह से वैसे तो लोगों को इतना ज़्यादा इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इधर पे कोई वैसे कुछ गांव नहीं बसा हुआ है, जिसके वजह से वो पानी जितना क्रॉस करके गया यहाँ से तो फिर से वो एक गाँव पर निकल जाएगा। लेकिन नदी पर जो मछली है बस उनको तकलीफ़ मिला, और लोगों ने उसे मार के खा दिया, तो और क्या कहे दोस्तों, वही है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। तो कुछ दिन के बाद एक फिर से खुल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, खोलने के बाद नदी में फिर से पानी हो जाएगा तो देखने के लिए भी अच्छा लगेगा, और फिर से इसमें मछली आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग घर चलते हैं, और घर चलने के बाद अभी करीबन बजने वाला है 9 सुबह के 9, तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा जॉब कार्ड के काम पर। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं,
और दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि 1K पहुँचने वाला दोस्तों बस और थोड़ा सा है दोस्तों, प्लीज़ 1K पहुँचा दीजिए और मैं होप करता हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और 1K पहुँचा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे आने से वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद, आपका शुभ है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आज इसको चिड़िया मार है ना, देखो इसको देख लीजिए दोस्तों, ये बच्चे यहाँ पर कुछ है जो चिड़िया मार के घूम रहे, देखिए कहाँ गिड़े दिखाओ, चिड़िया मार रहा है, बदली मार रहा है। देखिए दोस्तों ये बच्चे लोग बदली मार रहे हैं, तो इन लोगों को अभी इनको क्या करना है, इनको पकड़ के लेके जाना चाहिए, उनको पिटाई करना चाहिए। देखो इधर देखो, नाम नाम बताओ, चलो जल्दी बताओ नाम, नाम बताओ, हाँ नाम बताओ, आदित्य हो इधर, हाँ दीप गोगोई, और आदित्य को देखिए एनिमल जो लवर है, इनको आइए पकड़िए, इनको जल्दी आइए, लोग चिड़िया मार रहे हैं। यहाँ पर कुछ दोस्त बच्चे हैं जो चिड़िया मार के खाते हैं, तो वैसे तो अच्छा बात नहीं है, तो वही डराना चाहिए इन लोगों को ताकि चिड़िया ना मारे, ठीक है।